तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, बसरते आप ऑब्जर्व करिए क्या लाना है। देखिए आपको लाना क्या है, के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के। के स्क्वायर को तो पता नहीं, लेकिन थ्री के प्लस वाई आपको इस डिटर्मिनेंट में दिखना चाहिए। ये डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्म करी जा सकती है, कैसे, थ्री के प्लस वन यहाँ, थ्री के प्लस वाई यहाँ भी लाया जा सकता है, सॉरी थ्री वाई प्लस के, थ्री वाई प्लस के यहाँ भी लाया जा सकता है, थ्री वाई प्लस के यहाँ भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और थ्री वाई प्लस के यहाँ भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ना। और रेस्ट ऑफ आपका वाई वाई प्लस के, और ये वाई है, वाई प्लस के और वाई है, ये ट्रांसफॉर्म यहाँ किया जा सकता है। और एक बार आप यहाँ पे आ गए तो रो आर वन से आप कॉमन कर लोगे थ्री वाई प्लस के। आगे हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे, हमें पता है आगे क्या करना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कैसे आएंगे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए, अच्छा इसे LHS लिख के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, लिखेंगे अप्लाइंग, क्या किया है हमने, R1 को ट्रांसफॉर्म किया है ना, R1 वही नहीं रही, ट्रांसफॉर्म हुई है, क्या हुआ है, R1 में R2 और R3 को क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हम ये अचीव करेंगे। अगला तो आपको पता ही है कि हमें कॉमन करना है, आंसर का पार्शियल पार्ट आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे, आर वन से कॉमन करना है मतलब डिवाइड करना है, वन बाई थ्री वाई प्लस के टाइम्स आर वन। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ना बदले उसके लिए थ्री वाई प्लस के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, एंड बिकम वन वन वन, आर वन डिवाइड कर दिया, और आर टू आर थ्री वही रखना है, वाई वाई प्लस के, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज वाई 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 प्लस के। अब क्या करें, अब तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट दिख रही है, तीन वन है, कॉर्नर वाले वन को इस्तेमाल करके दो जगह जीरो बना लीजिए, फिर बाद में एक्सपेंड कर दीजिए, यू गेट आंसर। नेक्स्ट स्टेप, चलिए पहले जीरो बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखेंगे आप, सी टू को ट्रांसफॉर्म करना है और साथ में सी थ्री को ट्रांसफॉर्म करना है, सी टू को ट्रांसफॉर्म करना है सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री को भी ट्रांसफॉर्म करना है सी थ्री माइनस सी वन, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो था डिटर्मिनेंट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, वैल्यू वही रहेगी लेकिन शकल चेंज नजर आएगी, क्या हो जाएगा आपका, ये तो कॉलम ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है तो ये वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो माइनस वन प्लस वन, माइनस वाई यहाँ करेंगे के आ जाएगा, माइनस वाई यहाँ करेंगे जीरो आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, माइनस वन सी थ्री में जीरो आ जाएगा, फिर माइनस वाई ला के ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस वाई ला के ऐड करेंगे के हो जाएगा। अब एक चीज़ और दिखनी चाहिए आपको, यहाँ से कॉलम्स जो आपका सी टू है वो के से डिवाइड हो रहा है, और कॉलम सी थ्री भी के से डिवाइड हो रहा है, मतलब के कॉमन हो रहा है सी टू और सी थ्री दोनों से, ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है ना, ये नहीं कि सिर्फ कॉमन लिख दीजिए, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लिखा करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर लाना भी था, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे इसके लिए, कॉमन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखा करिए, इस पर नंबर आपको मिलता है, और नहीं लिखेंगे तो कटता भी है, तो लिखा करिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, C2 ट्रांसफॉर्म हो रहा है 1 बाई के टाइम्स C2, और C3 भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है 1 बाई के टाइम्स C3, तो योर डिटर्मिनेंट बिकम क्या हो गया, के स्क्वायर, के के से डिवाइड किया है तो दो के बाहर आ गया, और थ्री वाई प्लस के पहले से था। अब बची क्या डिटर्मिनेंट, या ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन चुकी है, वन वाई वाई, और ये ट्रांसफॉर्म हुई जीरो वन और जीरो, जीरो जीरो और वन। अब क्या कर दीजिए, मैक्सिमम जीरो आपके पास है, टारगेटेड था, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन, तो लिख देंगे हम लोग एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन, व्हाट वी अचीव, के स्क्वायर आंसर तो अचीव कर ही चुके हैं, एस्पेक्टेड है कि डिटरमिनेंट हमें वन देगा, है ना, ये एस्पेक्टेड है, तो टू बाई टू, ये कॉलम बंद, ये रो बंद, क्या बचा, वन जीरो जीरो वन। अब खोल दीजिए, वन इंटू वन, वन माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू वन आ गई, नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, और वन मल्टीप्लाई कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो आपका यही आ गया, वन चाहिए था, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूफ।